हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास नाइन्थ जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। हम पढ़ रहे थे कोशिका की भाग, जिसमें हमने प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक दोनों का अध्ययन कर लिया है। आज हम अध्ययन करेंगे कोशिका द्रव्य है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। आपने देखा कि ये एक सेल है, माना इसके अंदर जो तरल पदार्थ है, एक तो न्यूक्लियस हो गया, दूसरा एक ये कोशिका झिल्ली है, तीसरा जो ये द्रव्य पदार्थ, यहाँ जो द्रव है ये पूरा का पूरा कहलाता है कोशिका द्रव्य। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है। जो सेल है, आपने सेल देखी है, इस प्रकार से सेल, ये सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस है, बाकी जो यह है कोशिका द्रव्य है। इस कोशिका द्रव्य में बहुत सारे छोटे छोटे से अंगक पाए जाते हैं जिनके बाहर से भी लेयर होती है। ये सारे कोशिकांग कहलाते हैं जो कि अलग अलग कार्य को करने के लिए उस कोशिका में स्थित होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आगे हम देखते हैं कौन कौन से ये अंगक हैं। विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए कोशिका झिल्ली युक्त कुछ छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती है। जो सेल है, सेल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे अंगक दिखाई देते हैं। जब हमने पढ़ा था, अंतर्द्रव्य जालिका है, गोल्जी उपकरण है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, रायस्थानिया, ये सारे के सारे अंगक उस कोशिका में पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे अंगक कुछ विशेष कार्य करने के लिए उस कोशिका में उपस्थित होते हैं। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे अंतःद्रव्य जालिका का। अंतःद्रव्य जालिका, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, और हम इसे बार बार पढ़ेंगे ER, इसे हम बोलेंगे बार बार ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक बहुत बड़ा तंत्र है। जो सेल है उसमें ये बहुत इस टाइप की संरचना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ट्यूब नलिकाएं हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर इनका पाया जाता है। यह लंबी नलिका अथवा गोलीय अथवा आयताकार थैलियों के रूप में कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं, कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं, कुछ हल्की सी गोल गोल सी हो जाती हैं, इस प्रकार की इनकी संरचनाएँ दिखाई देती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका, खुरदुरी को इंग्लिश में हम बोलते हैं रफ, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा टाइप है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। चिकनी का मतलब स्मूथ, तो हम इसे बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। तो जब भी मैं SER बोलूँ, इसका मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब बोलेंगे तो उस टाइम पे उसका मतलब होगा खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका। तो पहला है खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत ऊपर का नीचे लिख दिया है, ये RER है और ये SER है, तो आप इसे समझ लेंगे। तो खुरदुरी है, यानी कि आप ये समझिए, माना ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी सतह पे अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए ये क्या है, SER, ये है SER। और अगर इसकी सतह पर छोटे छोटे से, इस प्रकार से छोटे छोटे से आप ये गोलियाँ काले रंग की दिखाई दे रही हैं, इसमें ये लग जाती हैं, तो ये छोटी छोटी गोलियाँ हैं, इन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स, इनका नाम होता है राइबोसोम्स, जिसके कारण इनकी सतह जो है खुरदुरी हो जाती है। तो जो खुरदुरी सतह है वो राइबोसोम्स के कारण है, और राइबोसोम्स का मेन कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करना, और जब प्रोटीन का निर्माण वो कर देती है, उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से कोशिका के अन्य भागों तक उस प्रोटीन को पहुँचा देती है। दूसरी है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, चिकनी मतलब SER। तो SER जो है वो करती है वसा और लिपिड को बनाने में सहायता। जो RER है वो करती है, RER करती है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण क्यों, क्योंकि जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ये आप देख रहे होंगे।
यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे काले काले राइबोसोम्स नहीं दिखाई दे रहे और इसमें छोटे छोटे से गोले से दिखाई दे रहे हैं जो कि राइबोसोम्स हैं, ये कहलाते हैं RER। तो ये वाला RER है और जिसमें राइबोसोम्स नहीं हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ, तो इसी के हिसाब से हम इनका कार्य को भी जान लेंगे। जो RER है वो उसमें राइबोसोम्स हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जो राइबोसोम्स हैं उनका क्या कार्य है, तो राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वसा और लिपिड के निर्माण में सहायता करती हैं। अब जब निर्माण हो गया उसके बाद ये इसको अपने हिसाब से सेल को देती है। तो अंतःद्रव्य जालिका के कार्य हो गए। अंतःद्रव्य जालिका का कार्य द्रव्य की विभिन्न क्षेत्रों अथवा के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के मध्य केंद्र जो प्रोटीन है वसा है इनका परिवहन करना, यानी कि इनको कोशिका तक पहुंचाना। आपने देखा होगा जो ये सेल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे बना प्रोटीन, यहाँ पे बना वसा और लिपिड, इसमें बना प्रोटीन, और ये कोशिका के अंदर है, इसलिए जब ये बनाएगा उसके बाद ये कोशिका के विभिन्न अंगों तक जो ये बनाई हुई सामग्री है इसको पहुँचाने का कार्य करेगा। तो आज के लिए इतना ही है, आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसके चित्रों को अपनी कॉपी में बनाएंगे। थैंक यू।